सबका सब ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम लोग सबकी पसंद दाल चावल तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, जिसमें मैंने लिए है 2.5 कप चावल है मेरे पास, 1 घंटा हो गया इनको भीगे हुए। आधा कप दाल है मूंग की, उसको धो के अच्छी तरह रखा हुआ है मैंने, 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए। और साथ ही मैंने ये मसूर की दाल 1 कप ली है, इसको 15 मिनट हो गए भीगे हुए, अच्छी तरह धो के रखा हुआ है। 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च इनको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। 3 चम्मच धनिया है बारीक कटा हुआ और 2 हरी मिर्च कटी हुई। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया और 1.5 मेरे पास चिकन क्यूब है। और ये 8-10 लहसुन की कलियां है मेरे पास, 1/2 चम्मच ही पिसा पुदीना और 1/2 से थोड़ी चम्मच मेरे पास जीरा है। चलिए आज शुरू करते हैं, चूल्हे को ऑन कर लेते हैं। 4 कप मैंने पानी लिया हुआ है, इसको बॉयल आता है तो फिर हम लोग नमक मिर्च वगैरह डालते हैं। पानी को उबाल आ गया, अब हम इसमें मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, हल्दी, सूखा धनिया, चिकन क्यूब, साथ में दाल भी ऐड कर देते हैं। टमाटरों को आपने काट के डालना हो तो काट के डाल लीजिएगा, मैंने ग्राइंड कर लिए हैं क्योंकि उस तरफ ही वो साबुत साबुत जाते हैं, वो इस वजह से थोम डाल देते हैं, ये थोड़ा जीरा डाल देते हैं। तड़के वाली दालें तो आपने बहुत सिखाई होंगी, मगर एक दफ़ा मेरी रिक्वेस्ट पे तड़के के बगैर बना के देखें, इंशाल्लाह ताला बड़ी पसंद आएगी। तो मैं ज़्यादातर दाल इसी तरीके से बनाती हूँ, तो हमें इस तरह बड़ी पसंद आती है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। कुकर को बंद कर देते हैं, 2-3 सीटी आती है तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। 3 सीटी आ गई है, चूल्हे को बंद कर देते हैं, तो इसको थोड़ी देर बाद जरा इसका प्रेशर ख़त्म करती हूँ फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चूल्हे को बंद कर देते हैं, दाल का प्रेशर खुद से ही ख़त्म होने वाला है, तो अब हम चावल तैयार कर लेते हैं। मैंने 4 कप पानी लिया, 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, बॉयल आता तो फिर चावल ऐड करते हैं। पानी को बॉयल आ गया, चावल ऐड कर देते हैं, देखिए 1 कनिया है इनके अंदर, तो हम इनका पानी निकाल लेते हैं। दाम पे रख दिए आप चावल, 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे। चावलों के दाम लग गया, चूल्हे को बंद कर देते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं, माशाल्लाह देखिए खिले खिले चावल। आप ऐड करना चाहें मक्खन या घी तो कर लीजिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, इससे ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही प्यारी ना खुशबू हो जाती है, बहुत ही प्यारी खुशबू लगती है इसकी। डिश आउट कर देती हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तैयार हुई है दाल। थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा पिसा पुदीना। ये ले जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह दाल चावल हमारे तैयार हुए हैं।
ये मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सिखाएं कि दाल चावल कैसे तैयार किए जाते हैं। तो आज उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमने दाल चावल तैयार किए हैं, तो इंशाल्लाह उनको बेहद पसंद आएंगे। आप इसी तरीके से बनाएंगे जब तो इसी के साथ हमें आप इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात करते हैं आपके साथ। हमें शामिल रखिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।